Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. कनाडा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, माहिरीन सेहत ने हुकूमत से सख्त इकदामात का मुतालबा कर दिया। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से निमटने के लिए $1 अरब की सरमायाकारी, मोहलिक वायरस की दूसरी लहर से निमटने में मदद मिलेगी। टोरंटो में फायरिंग के 3 मुख्तलिफ वाकयात में 1 शख्स हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी, मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,49,094 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3,24,49,952 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 9,88,274 हो गईं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने जुनूबी कोरिया से माफ़ी मांग ली, जुनूबी कोरिया ने बड़ा दावा कर दिया। ओबामा ने सोशल मीडिया पर अपना नंबर जारी कर दिया, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला ग्रीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। वबाई अमराज के माहरीन ने कनाडा के सेहत आमा के अहदेदारान से मुतालबा किया है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदामात का नफाज किया जाए। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वबाई अमराज के माहरीन ने कनाडा के सेहत आमा के अहदेदारान से मुतालबा किया है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदामात का नफाज किया जाए। माहरीन का कहना है कि आइंदा हफ्तों में कोरोना वायरस से अमवात और अस्पतालों में कोरोना मरीजों की आमद में इजाफा हो सकता है। माहरीन की जानिब से यह मुतालबा चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर के बयान के बाद सामने आया, जब उन्होंने कहा था कि कनाडा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। माहरीन का कहना था कि इससे कबल कोरोना वायरस के फैलाव में इतनी तेजी देखने में नहीं आई, समाजी हलकों में पाबंदी काफी नहीं होगी, लोगों को रवाबित को महदूद करना होगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत के साथ अवाम को भी संजीदा अमल तैयार करना होगा। किसी भी गफलत की कीमत हम सबको चुकाना होगी। अगर पाबंदियों को सख्त नहीं किया गया, सूरत हाल नहायत तश्वीशनाक हो सकती है। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से निमटने के लिए $1 अरब की सरमायाकारी की जा रही है। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से निमटने के लिए $1 अरब की सरमायाकारी की जा रही है, जिससे कोरोना केसेस में कमी, टेस्टिंग में इजाफा और रवाबित में इंतजाम को बढ़ाया जाएगा। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड और वजीर सेहत क्रिस्टीन एलियट की जानिब से कहा गया कि इस भारी सरमायाकारी के जरिए टेस्टिंग में इजाफा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और केसेस अलग रखने में मदद की जाएगी। वजीर सेहत का कहना था कि हमारी हुकूमत ने टेस्टिंग का एक मजबूत निजाम कायम किया है, जिसके तहत हम 40,000 यौमिया टेस्ट कर सकते हैं। इस सरमायाकारी में हम इस सलाहियत में नुमाया तौर पर वसत करेंगे, टेस्टिंग तक रसाई में बेहतरी लाएंगे, इंतजार के औकात को कम करेंगे और शहरियों को जल्द नतीज की फरहमी यकीनी बनाएंगे। फोर्ड का कहना था कि हमें इल्म था कि दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए हमने महीनों की तैयारी कर रखी है। टोरंटो में फायरिंग के 3 वाकयात 2 घंटे के दौरान पेश आए, जिनमें से 2 नॉर्थ यॉर्क और स्कारबरो में पेश आए। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,249 है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,49,094 हो गई।
मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,249 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस की मजमू केसेस की तादाद 69,670 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 5,810 तक जा पहुंची है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमू तादाद 48,496 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,836 है। अल्बर्टा में 17,190 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 261 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 8,543 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 229 है। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मौजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मौजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,24,49,952 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 9,88,274 हो गई। कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,07,540 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 71,85,915 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया, जहां कोरोना से 52,347 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 58,23,060 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहां ये वायरस 1,59,883 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 46,59,909 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 20,056 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 11,36,048 हो चुकी है। फहरिस्त में सऊदी अरब 17वें नंबर पर है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,599 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,31,857 तक जा पहुंची है। जनूबी कोरिया के सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि किम जोंग उन ने जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन के नाम एक खत में शहरी की हलाकत पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। जनूबी कोरिया ने कहा है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने जनूबी कोरियाई शहरी की हलाकत पर माफी मांगी है। जनूबी कोरिया के सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि किम जोंग उन ने जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन के नाम एक खत में इस वाक्य पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। खत में बताया गया है कि शुमाली कोरियाई फौजियों ने मंगल को कश्ती में सवार जनूबी कोरियाई शख्स को इस गलतफहमी में गोली मार दी कि वो मुल्क में दाखिल हो रहा है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इंतखाबात की अहमियत को उजागर करने और आवाम को वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड कराने के लिए सोशल मीडिया पर अपना नंबर जारी कर दिया, ताकि लोग इलेक्शन के हवाले से लोगों का मौका जान सकें। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा इंतखाबात की अहमियत को उजागर करने और आवाम को वोटर लिस्ट में रजिस्टर कराने के लिए सोशल मीडिया पर अपना नंबर जारी कर दिया है, ताकि लोग इलेक्शन के हवाले से लोगों को मौकफ जान सकें। गैर मुल्की खबर रसा अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी तारीख में पहली मरतबा ऐसा है कि किसी साबिक सदर ने इंतखाबात से मुतालिक अवामी राय जानने के लिए सोशल मीडिया पर नंबर जारी किया हो। अमरीका के पहले सियाफाम साबिक सदर बराक ओबामा ने अवाम की राय जानने के लिए ट्विटर पर एक नंबर जारी किया है, जिसके साथ कैप्शन लिखा था कि आप वोट किस तरह डालेंगे, इलेक्शन से मुतालिक आपके जहनों में क्या चल रहा है, मुझसे शेयर करें। गैर मुल्की मीडिया का कहना था कि अमेरिका के 44वें सदर बराक ओबामा का सोशल मीडिया पर नंबर जारी करके अवामी राय जानने का मकसद लोगों को इलेक्शन की अहमियत बताने और वोटर लिस्ट में रजिस्टर करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो नंबर साबिक सदर ने जारी किया है वो उनका जाती नंबर नहीं, बल्कि कम्युनिटी का नंबर है, जिस पर हजारों की तादाद में मैसेज मौसूल होते हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.